अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको वार्मली वेलकम करती हूँ। आज की डेली रूटीन, मेरी आज की रूटीन, मैंने दिन में क्या किया, सुबह नाश्ता अपना बनाया, भाई का नाश्ता बनाया, नाश्ता मेरा रेडी किया। 8 बजे मैं पहुँच गई अपने हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल। उसके बाद 8 बजे हमारा लेक्चर होता है, तो 8 बजे से पहले पहुँचना होता है। आज हमारा लेक्चर था ऑर्थोपेडिक्स की, सर्जरी के टाइम प्लेट्स और स्क्रू जो यूज़ किया था उनको किस तरह से इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद हमारे डॉक्टर्स का राउंड था, राउंड के हमने सीखा कि हम लोगों ने फिक्सेटर्स किस तरह लगाते हैं, मीन कि किसी की अगर मसल्स में मसला हो जाए, बोन्स डिफॉर्मिटी हो जाए, तो उस टाइम पर ये फिक्सेटर्स लगाते हैं, या कोई टेंडन वगैरह या इनका जोड़ों हड्डियों का कोई भी पट्ठों का मसला हो तो उस टाइम पे हम लोग इसको किस तरह से लगाते हैं, और ये फिक्सेटर्स हैं। उसके बाद हम थके हारे 12 बजे दोबारा क्लासरूम में वापस आ गए, क्योंकि यहाँ पे एसी लगा था। फिर हमने कहा चलो जी कहीं खाने चलते हैं, फिर हम लोग चले गए। पहले हम गए अपने कैफेटेरिया में, वहाँ पर हमें कोई माहौल अच्छा नहीं लगा, तो हम लोगों ने कहा चलो बिल्कुल उसके सामने था अल्फाजा रेस्टोरेंट, पहले भी हम लोग यहाँ पर काफ़ी दफ़ा विज़िट कर चुके हैं, अच्छा रेस्टोरेंट है, हम वहाँ चले गए। खाना पीना किया, और इनका जो सेटिंग है वो बहुत अच्छी है अल्फाजल रेस्टोरेंट वालों की। पहले भी 2-3 दफ़ा जा चुके हैं, इसलिए हम बार बार यूनिवर्सिटी के पास था, उसके बाद हॉस्पिटल के भी पास है, तो हम उसको ही प्रेफर करते हैं। फिर उसके बाद आपको बताएँ लोअर केयर हॉस्पिटल के सामने हमारा शॉप है। वैसे तो जनरल हॉस्पिटल में लोअर केयर हॉस्पिटल के सामने बैठे हैं, हमारे पास करते करते बस आ गए। बहुत सुकून, एसी वाला रूम और एसी वाला रूम, बस एसी में बैठ के फिर घर की तरफ हो गए। 3 बज चुके थे, जुम्मा भी था आज, और जुम्मे की नमाज भी पढ़नी थी। घर आई तो अम्मी ने मेरे लिए बनाया हुआ था जूस, एप्रिकॉट जूस बनाया था। उसके बाद शाम को सोने रेस्ट करने के बाद हमने बनाई माश की दाल, और माश की दाल बहुत मज़े की बनी थी। इसमें हमने अपने सारे प्याज, टमाटर, लहसुन, धनिया, जो कुछ डालना होता है वो सारा कुछ डाला। ये हमारा मसाला तैयार हो रहा है, और हमारा मसाला मुझे ऑरेंज कलर का मसाला बड़ा अच्छा लगता है। ये देखो मसाले की कलर इतना प्यारा, दाल बनी माश की दाल मेरी मदर की फेवरेट है। तो हम लोग वैसे तो हम मूँग की दाल ज़्यादा खाते हैं, माश की दाल कम खाते हैं, लेकिन आज की दाल बहुत मज़े की बनी थी, क्योंकि आज का मसाला बहुत अच्छा बना था। आई थिंक तो कि सालन के लिए सालन अगर अच्छा बना तो उसके लिए मसाला अच्छा होना चाहिए। ये जी हमारी एंड पे मेरा फेवरेट मसाला, गरम मसाला डाल दिया मैंने, और ये हमारी अब प्रेजेंटेशन के लिए इसको सेटिंग करने के लिए, इसके लिए हमने काट के रखी हुई हैं चीज़ें डेकोरेशन के लिए। धनिया डाल दिया हमने, बस यही बिजी दिन होता है हमारा, इसी तरह दिन गुजर जाता है, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक। और उसके बाद खाने पीने के बाद अम्मी ने बनाए पराठे, क्योंकि आज दाल बनी हुई थी, दाल के साथ पराठे अम्मी ने बनाए थे, पराठे बना के बस उसके बाद हमारे सोने का टाइम हो गया। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर।